हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमाल के यूज़फुल किचन टिप्स, जिसे फॉलो करके आप अपने रोज़मर्रा के काम को आसान बना सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अक्सर हमारे घर में सूजी रवा रखा होता है, उसमें बहुत जल्दी कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको एक अलग तरीका बता रही हूँ सूजी को स्टोर करने का। आपको एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई को 2 मिनट तक के लिए गैस पे रखें, अच्छे से गर्म कर लेना है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आप गैस को ऑफ़ कर दें और जितनी भी आपको सूजी स्टोर करनी है कढ़ाई के अंदर डाल दें। कढ़ाई में सूजी डालने के बाद आप थोड़ा सा हिला दें और फिर आप सूजी को पूरी तरीके से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसे स्टोर करें, कभी भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। कई बार हमारे घर में 2 से अधिक या फिर कई सारी नाइफ होती हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप उसे किस तरीके से संभाल के रख सकते हैं ताकि उनकी जो धार है वो भी ना ख़राब हो। क्या करना है कि अगर आपके घर में स्ट्रॉ रखे हैं तो आप इस तरीके से स्ट्रॉ ले लें और अपने नाइफ की हाइट के हिसाब से आप इसे सीजर से बीच में से कट कर लें। जितनी आपकी नाइफ की हाइट है उसी हिसाब से आप स्ट्रॉ ले लें। फिर आप नाइफ लें और इसको इसके अंदर डालकर इसके किनारे पर अच्छे तरीके से सेट कर दें और इस तरीके से जितनी भी आपके घर में नाइफ है उसे आप इस तरीके से रखते हैं। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, नाइफ की धार जो काफ़ी तेज़ होती है, हाथ में भी नहीं लगती है और इसकी धार भी नहीं कम होती है। मेरी जो अगली टिप है वो है पुदीना को हम किस तरीके से बहुत आसानी से और जल्दी साफ़ करें। अगर हम एक एक पत्ता तोड़ते हैं तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आज मैं आपको पुदीने के पत्ते तोड़ने का बहुत आसान तरीका साथ ही बताऊंगी कि आप इसे गमले में किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक आपके घर में कोई भी पकौड़े तलने वाली छलनी है या वो ले लें, और या फिर आपके घर में जिससे आप चावल छानते हैं स्ट्रेनर है थोड़ा बड़ा सा वो ले लें। तो इस तरीके से आप एक पुदीना लें तो इसको डंडी से अंदर डालें और बाहर की तरफ इस तरीके से खींचें। सारी जो फ्रेश पत्तियां हैं देखिए यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठी होती जाएंगी और आप इसे प्लेट में रखते जाएं। बहुत जल्दी आप इस तरीके से पुदीने की पत्तियों को निकाल सकते हैं और डंडी को अलग कर लें। वैसे अगर आप तोड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में पुदीना नहीं है, मार्केट से लाए हैं आप, तो इसे घर पर किस तरीके से लगा सकते हैं। इसकी जो है नीचे वाली जो लीव्स हैं इसे आप हटा दें और इस तरीके से थोड़ा सा आप पानी ले लें, ग्लास में एक ग्लास से थोड़ा सा कम लें और शीशे के ग्लास में लें। फिर आपको जितनी यहाँ पे पुदीना बच गया है इसे आप ग्लास में रख दें, इससे फ्रेश भी रहेगा कई दिनों तक। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो इसमें 2 से 3 दिनों के अंदर ही काफ़ी सारे रूट्स आ जाएंगे। फिर आप इसे निकाल कर पानी से गमले में लगाएं या ज़मीन में लगाएं। कढ़ाई की जो बैक वाली साइड होती है ये काफ़ी ख़राब हो जाती है अगर इसे हम रेगुलर यूज़ करते रहते हैं। तो आपने देखा कितने इस पर ऑयल के स्पॉट आ गए हैं, इसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी बिना मेहनत के आप इसे इस तरीके से आसानी से एकदम क्लीन कर सकते हैं। आपको आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, थोड़ा सा विनेगर डाल दें और पहले आप इस तरीके का कोई जो सॉफ्ट वाला थोड़ा सा स्पंज होता है यानी स्क्रबर होता है वो ले लें। इस पे आप थोड़ा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से आपको रगड़ना है। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं जहाँ पे ऑरेंज कलर है यहाँ पे भी ऑयल के काफ़ी स्पॉट आ गए हैं, थोड़ा सा चिपचिपा सा ये हो जाता है। तो इस तरीके से ये ख़राब भी ना हो और इस पे कोई स्क्रैच भी ना आए, आपको अच्छे तरीके से एकदम हल्के हाथों से इसको रगड़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ये काला काला हो रहा है कढ़ाई के साइड में और काफ़ी सारे ऑयल के स्पॉट इसमें आ गए हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल गए हैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह लेमन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई को साइड से साफ करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई को साइड से 1 मिनट तक के लिए अच्छे से साफ कर लिया। अब हम करेंगे कढ़ाई का जो ये स्टील वाला रिंग है बीच में, ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे स्टील वाला स्क्रबर लेना है। आप जो भी डिश बार या डिश वॉश इस्तेमाल करते हैं वो ले लें, मैं हमेशा डिश बार ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा स्क्रबर पर लगा लिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें ध्यान रखना है कि साइड पर बिल्कुल भी ना चलाएं स्क्रबर को, नहीं तो स्क्रैच आ जाएंगे। जहाँ पर स्टील का ये रिंग है वहाँ पर आप इसे हल्के हाथों से 1 से 1.5 मिनट तक धीरे धीरे रगड़ें और आप देखेंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद ही आपकी जो कढ़ाई है एकदम से क्लीन हो जाएगी। आपने पहले देखा कितनी ज़्यादा स्पॉट हो गए थे इस पर, कितनी काली हो गई थी। चलिए अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। देखिए वॉश करने के बाद कितनी ये क्लीन हो गई है, कितनी इसमें चमक आ गई है, शाइन
लाइन आ गई है, लग ही नहीं रहा कि ये हमारी पहले वाली कढ़ाई थी। देखिए पहले हमारी कढ़ाई कैसी थी, अब कितनी चमकदार हो गई है। बिना मेहनत के केवल 2 से 3 मिनट में, बिना कुछ पैसे खर्च किए, इस तरीके से आप अपनी कढ़ाई को एकदम से क्लीन बना सकते हैं। अरबी की सब्ज़ी आप काटते हैं, बहुत ईचिंग होती है, कुछ लोग तो ईचिंग की वजह से ही सब्ज़ी को काटना या खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जब भी आप अरबी को छीलें, काटें, सब्ज़ी बनाएं, उससे पहले नाइफ पर या फिर अपने हाथों पर अच्छे से सरसों का तेल अप्लाई कर लें, बिल्कुल भी ईचिंग नहीं होगी इसको छीलने या फिर काटने पर। तो ये टिप सिर्फ आपको स्टील की छन्नी पर ही इस्तेमाल करनी है। गैस को ऑन कर लें और थोड़ा स्लो कर लें, और आपकी जो स्टील की छन्नी है अगर उसमें इस तरीके से कार्बन जमा हो गया है, चाय पत्ती फंस गई है और काफ़ी गंदी हो गई है, तो इसे थोड़ा देर के लिए आप 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरीके से गैस पर रखें, और जितनी भी चाय पत्ती होगी ना, जो भी इसमें गंद वगैरह जमा हो गया है, वो सारा इस तरीके से जल जाएगा। जलने के बाद फिर आप क्या करें, किसी भी प्लेट में या इसे थोड़ा सा झाड़ दें तो ये सारा निकल जाएगा। उसके बाद आप इसे क्लीन करेंगे ना, जैसे आप रेगुलर क्लीन करते हैं उस तरीके से आप इसे क्लीन कर लें, तो आपकी जो स्टील की छन्नी है ना, वो एकदम से साफ़ हो जाएगी। आप 10 दिन में या फिर 15 दिन में एक बार इस तरीके से जो स्टील की छन्नी है ना, उसे ज़रूर क्लीन करा करें, क्योंकि इसमें कार्बन काफ़ी जमा हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे ब्रेड और बेसन से बना के तैयार करेंगे। 1 कप छानकर मैंने बोल में बेसन डाल दिया, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। ये सारे मैंने मसाले 1/4 चम्मच ही लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसका हम बैटर बना के तैयार करेंगे। तो बैटर अभी काफ़ी थिक है, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। तो बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, एक टमाटर लिया है, एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ का प्याज, जिनको वॉश करके एकदम बारीक काट लिया है। ये बेसन में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए बैटर तैयार हो गया है। तो ब्रेड के मैंने कुछ स्लाइस लिए हैं। पैन में हम 1 से 2 चम्मच छोटे सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो बटर या फिर देसी घी में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। अच्छे से बेसन में डिप करेंगे। थोड़ी सी सब्जियाँ इसके ऊपर आप चम्मच से या फिर हाथ से भी लगा सकते हैं। तो अब तेल गर्म जो हमने रखा था, इसमें हम ब्रेड के स्लाइस को रखेंगे और 2 मिनट तक स्लो गैस पर सिकने देते हैं। एक साइड सिक चुकी है, इसी तरीके से पलट कर हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो इस नाश्ते को आप सरसों के तेल में या देसी घी में, जिसमें भी आप खाना पसंद करते हैं, बना सकते हैं। 3-4 मिनट के लिए स्लो गैस पे सेकें, और सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम की छोटी मोटी भूख में आप इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार लगता है, कम तेल का नाश्ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।